हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं NIOS TLET कोर्स 510 सेट बी का आंसर बताने जा रही हूँ। शायद झारखंड का है, वैसे आप मिला सकते हैं, जिन्होंने भेजा है उन्होंने बताया झारखंड का, आप अपने में देख लीजिएगा कि ये झारखंड का है या फिर और स्टेट का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम पर्यावरण को शिक्षण अधिगम उपागम का को अनिवार्य मानता है? अध्यापक केंद्रित अधिगम, हेंडरसन का अधिगम और जोन्स एवं भाव अलंकार का अधिगम। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित वैज्ञानिक जांच रूपों में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? अब देखिए, इसमें जो वैज्ञानिक जांच है, प्रयोग आधारित जांच है और खोजबीन आधारित जांच है, ये तीनों एक तरह का है। बी जो है सो अलग है, अभिलेखीय जांच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों में से कौन एक प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक था? आर्यभट्ट जो थे एक प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीरो की खोज की थी, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर चार है, ज्ञान संबंधी पाठ सीखने में निम्नलिखित में से किस ज्ञान इंद्रियों का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो कोई भी पाठ जब हमें पढ़ाया जाता है तब हम सुनते हैं उसको ध्यानपूर्वक, तो वह चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आती है, तो श्रवण होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पाँच, कई वैज्ञानिक रूप में साक्षर जिम्मेदार व्यक्ति पसंद करेगा उपयोग करेगा। पहला है ऑप्शन जूट बैग की अपेक्षा प्लास्टिक बैग का, दूसरा है साबुन की अपेक्षा रासायनिक डिटर्जेंट का, तीसरा है रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा जैविक खाद का, और चौथा है जैव ऊर्जा के सापेक्ष जीवाश्म ईंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कोई भी जो जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा वह यही चाहेगा कि वह रासायनिक उर्वरक की जगह पर जैविक खाद का प्रयोग करे। क्वेश्चन नंबर छः है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का इंस्पायर कार्यक्रम भारत के सभी विद्यार्थियों को शामिल करता है, केवल उन विद्यार्थियों को छोड़कर। इसमें देखिए, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को शामिल किया जाता है, 10+2 वाले को, फिर माध्यमिक वाले को भी किया जाता है, और साथ ही जो टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं उनको भी किया जाता है, लेकिन निम्न प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले को नहीं किया जाता, क्योंकि छोटे बच्चे को स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किस प्रकरण में से सब प्रकरण समाहित है? इसका आंसर होगा टेस्ट। नेक्स्ट है, अधिगम लक्ष्यों के कौशलात्मक क्षेत्र के पदानुक्रम का विकास किया गया है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, B.S. ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा विज्ञान केंद्र। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का मानवों पर विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है? क्लोरीन, वेजीन और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका पड़ता है, लेकिन यह पूछ रहा है कौन सा विषैला प्रभाव मानवों पर कौन से गैस का नहीं पड़ता, तो हाइड्रोजन गैस का नहीं पड़ता है। क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, आगे के वीडियोस में मैं और भी सेट और भी स्टेट का आंसर की बताऊंगी। आंसर अपलोड करने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर CTET और किसी भी TET का तैयारी भी किया जाता है, करवाया जाता है, और साथ में शिक्षक बहाली से संबंधित बातें भी बताई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा तभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।